मनुष्य का सच्चा साथी उसकी योग्यता, साहस और उसके अंदर की शक्तियां हैं, जो हमेशा हर स्थिति में उसके साथ रहती हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। कला श्रृंखला का यह 34वां अंक प्रस्तुत है और आज हम जानेंगे पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत गुलेर शैली के बारे में। मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। साथ ही अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गुलेर शैली। पहाड़ी कला में कांगड़ा शैली को रंग रूप देने व ऊंचाइयों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करने वाली शैली गुलेर ही थी, यानी कांगड़ा कलम गुलेर कलम का ही विकसित रूप है। 1405 ईस्वी में कांगड़ा राज्य की स्थापना हुई थी। कांगड़ा के राजा हरिचंद एक बार शिकार की खोज में अपने साथियों से बिछड़ गया और जंगल में राह भटक कर कुएं में गिर गया। काफी दिनों तक राजमहल नहीं पहुंचने पर उसकी रानियों ने उसे स्वर्गवासी मानकर अपने आप को सती कर लिया। कुछ दिनों बाद एक राहगीर ने उसे कुएं से निकाला और जब वह अपने राज्य पहुंचा तो उसका छोटा भाई कांगड़ा की राजगद्दी पर बैठ चुका था। अतः हरिचंद गुलेर आकर एक नवीन राज्य हरिपुर की नींव डाली और उसे स्थापित किया। राजा हरिचंद के कारण ही कचोट राजपूत की नजरों में गुलेर को कांगड़ा से अधिक सम्मान प्राप्त हुआ और राजधानी हरिपुर पहाड़ी संस्कृत एवं कला का केंद्र बन गया। और लगभग 200 वर्षों के पश्चात इस राज्य की 17वीं शताब्दी में प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। गुलेर राज्य को मुगल संरक्षण भी प्राप्त हुआ। गुलेर के राजा रूपचंद को शाहजहां का समर्थन मिला। उसके पश्चात राजा मानसिंह के समय तक चित्रकला का कार्य शिथिल पड़ गया था। राजा मानसिंह ने शाहजहां और औरंगजेब के लिए अफगानिस्तान व कंधार की लड़ाइयों में हिस्सा लिया था और फिर मुगल शहंशाहों ने उससे प्रसन्न होकर अफगानी चीता की उपाधि दी थी। तभी से गुलेर के राजा अपने नाम में चंद के स्थान पर सिंह लिखने लगे। राजा दिलीप सिंह और गोवर्धन सिंह के आश्रय में मुगलों के सानिध्य से भागे चित्रकार मैदानी असुरक्षा को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में आ गए। यहाँ पहाड़ी राजाओं के संरक्षण में चित्रकारी करने का उन्हें अवसर मिल गया। गुलेर के शासकों में राजा गोवर्धन सिंह चित्रकारों के सबसे बड़े संरक्षक थे। उनके प्रयासों से चित्रकला का निर्माण एवं प्रयास सतत जारी रहा। इनके द्वारा चित्रकारों के लिए एक चित्रकला कक्ष का निर्माण किया गया। इनके विषय में कहा जाता है कि चित्रकला का यौवन उभर कर सामने आया। बाद के शासक गुलेर चित्रकला को वैसा संरक्षण नहीं दे सके। यही कारण है कि धीरे धीरे गुलेर चित्रकार कांगड़ा की ओर पुनः आकर्षित होने लगे। कह सकते हैं कि गुलेर चित्रकला कांगड़ा से निकल कर आती है और फिर कांगड़ा में पुनः जाकर विलीन हो जाती है। आइए जानते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को टू द पॉइंट के रूप में। गुलेर चित्रों के विषय धार्मिक हैं। इनमें प्रमुख विषय रामायण एवं महाभारत की घटनाएं रही हैं। धार्मिक चित्रों में गीत गोविंद, शिव परिवार, कृष्ण चरित्र, होली लोकोत्सव आदि के चित्र बहुतायत से प्राप्त होते हैं। गुलेर शैली में राज दरबार एवं अंतःपुर के चित्र भी बनाए गए हैं। गोवर्धन सिंह का घुड़सवारी का चित्र तथा नृत्य आदि का चित्र विशेष उल्लेखनीय है। नायिका भेद संबंधी चित्र इस शैली की एक अन्य विशेषता रही है। श्रृंगार युक्त नायिका कांगड़ा शैली के समकक्ष गुलेर शैली में पहले भी बनाई जाती थी। इन नायिकाओं में कृष्ण पक्ष, अभिसारिका, उत्का, प्रसिद्धपतिका, नायिका गुलेर शैली के भावपूर्ण चित्र हैं।
गुलेर शैली में व्यक्ति चित्र के अंतर्गत पर्याप्त सजीवता वाले चित्र प्राप्त होते हैं। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि गुलेर शैली की विशेषताएं कांगड़ा के चित्रों जैसी ही हैं। एक कहावत है कि गुलेर कलम का क्वारा सौंदर्य कांगड़ा की बहली सौंदर्य में बदल गया। राजा दिलीप सिंह कालीन रामायण पर आधारित 14 चित्र प्राप्त होते हैं। गुलेर कलम के प्रारंभिक चित्रों में पंडित सेव और उनके दो पुत्र मानकू और नैनसुख के बनाए प्राप्त होते हैं। किसी किसी किताब में पंडित सेव के इन दो पुत्रों में मानकू को पुत्री माना गया है और नैनसुख को पुत्र माना गया है, तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न है। और डॉक्टर रीता प्रताप में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि मानकू और नैनसुख दो पुत्र थे। राजा गोवर्धन एवं उनके परिवार के लोगों को बखूबी चित्रित किया गया है। राजा गोवर्धन एवं उनके बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुआ है। गुलेर शैली में स्त्रियों को विशेष रूप से चित्रित किया गया है। डॉक्टर बी एन गोस्वामी ने रैना भ्राताओं के सौजन्य से एक चित्र प्राप्त किया जिसमें एक 15 भुजी देवी दिखाई गई है जो एक पैर पर खड़ी हैं और उनके सिर पर श्री गुलेर लिखा हुआ है। साथ ही उसके आसपास 19 रियासतों का नाम फीकी स्याही से लिखा गया है। यहाँ पर चित्रकारों के अनुसार श्री गुलेर का अर्थ है कि गुलेर चित्रकला सर्वश्रेष्ठ थी। तो फिर आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में और जानेंगे पहाड़ी चित्रकला की अन्य सभी शैलियों के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।